अस्सलाम वालेकुम, मैं कुबरा खान। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, गुड इवनिंग एंड स्टार प्लेयर। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हम यहां पर आपके लिए आ रहे हैं और लेकर आए हैं आपके लिए वही 1 करोड़ रुपए तक का इनाम। अब देखना यह है कि हम तो लॉकडाउन में आ गए हैं ये इनाम देने के लिए, और जिसे ये इनाम हासिल करना है उसे भी हमने यहाँ पर बुलवा लिया है, यानी हमारे आज के स्टार प्लेयर को। पर इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद क्या वो यहां से 1 करोड़ रुपए ले जाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हमें बुलाना होगा हमारी आज की स्टार प्लेयर को। सो प्लीज वेलकम उमैमा। अस्सलामुअलैकुम उमैमा। वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक। अपने बारे में कुछ बताइए। बीएस कर रही हूं मैथ्स कम्युनिकेशन। अच्छा, जबरदस्त, बेहतरीन, यानी स्टडीज चल रही है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या बनना है? न्यूज एंकर। अरे वाह, जबरदस्त। कोई खबर पढ़ के सुनाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हर जगह हर वक्त कोरोना हो रहा है। अच्छा जी, वेरी गुड, जबरदस्त, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरपूर है। हमारी दुआ है कि आप न्यूज एंकर बन भी जाएं। 1 करोड़ रुपए यहाँ से जीत जाती हैं तो क्या करेंगी? मैं उम्रे पे जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। उसके बाद भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो फिर घर खरीद लूंगी। घर खरीद लेंगी? अच्छा, वेरी गुड। घर पापा ने नहीं खरीदा हुआ? खरीदा हुआ है। हाँ। दोबारा खरीद लेंगे। किसके साथ आएंगे यहाँ पर? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ, जरा इंट्रोड्यूस कराएं अपनी फैमिली से हमें। पापा हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम पापा, नाम क्या है आपका? अथरुल्ला खान। अथरुल्ला खान साहब, इतना लंबा नाम, पापा ही ठीक है सर। तो पापा, आपने घर खरीदा हुआ है, बेटी इतना क्यों आपके लिए जो है वो घर खरीदना चाह रही है, क्या वजह है इसकी? कोई प्रेशराइज किया हुआ है आपने? छोटा सा है, बड़ा लेंगे। छोटा घर है सर, मैं कह रहा हूँ छोटे घर के अंदर जितनी रौनकें और खुशहाली होती है ना, बड़े घर में आने के बाद एक दूसरे को देखे हुए हफ्ते गुजर जाते हैं। छोटे घर में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने में जो है जिंदगी गुजारें, ज़्यादा अच्छी बात है। इन्हें लगाएं कारोबार में। करते क्या हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ, तो कोई बिजनेस शुरू करें ना इन पैसों से। जी कोशिश। क्या ख्याल है, बिजनेस कहाँ है आजकल, तो सब कुछ डाउन पड़ा हुआ है। ये तो थोड़े दिनों की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, इसके बाद की प्लानिंग करें इंशाल्लाह। तो फिर कोई बिजनेस करने की आप जो है वो फूड बिजनेस। अरे वाह, वो भी सोचा हुआ है, सब कुछ सोचा हुआ है इसने। एंकर भी बनूंगी, फूड बिजनेस भी करूंगी, घर भी करूंगी, सब सोचा हुआ है पहले से ही। बता नहीं रही हमें, ये बेटी पीछे लगी है फूड बिजनेस के लिए। क्या क्या फूड बिजनेस, क्या कौन बनाएगा खाना, शेफ कौन है? मैं अच्छा बना लेती हूँ वैसे खाना। अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जब प्लानिंग करेंगे तो फिर शेफ। क्या चीज अच्छा बनाती हो? जाहिर सी बात है, कोई यूएसपी होगी ना। अब जाहिद की तो निहारी मशहूर है, वहाँ कोई कोफ्ते खाने तो जाता नहीं है। बारबेक्यू राइस। आपके रेस्टोरेंट में हम क्या खाने हैं? बारबेक्यू राइस बहुत अच्छे बनाते हैं। बारबेक्यू राइस, अरे वाह, वेरी गुड, जबरदस्त। यानी कि आप जो रेस्टोरेंट आप बनाएंगी उसमें सबसे अच्छा हमें बारबेक्यू राइस मिलेगा, और इन पैसों से उम्रा करने के बाद आप बिजनेस शुरू करने वाली हैं, ठीक है? तो ये सब करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं जी। पैसे जीत लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। नाज़रीन, उन्हें वेलकम करते हैं जिनके वजूद से हमारी कायनात में रंग है। प्लीज वेलकम हमारी स्पेशल 26 लड़कियां। और अब मैं आपको बताता हूँ किस फ्लो से हम खेलते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, आसान सा है। आपने जब गेम शुरू करनी है, मैं शुरू से बताता हूँ आपको, सबसे पहले आपने अपना लकी बैग चूज करना है इन 26 बैग्स में से, ठीक है, जिसमें अभी आपको लग रहा है 1 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, वही बैग मंगाना है। वो बैग आएगा तो आप उम्रे पे जाएंगी, फूड बिजनेस शुरू होगा और घर खरीदेंगी। तो सोच समझ के उस बैग को मंगाना है, ये नहीं कह देना है मैं पैदा हुई थी फलां तारीख को तो ये लकी है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद बकाया 25 बैग्स हम खोलेंगे राउंड की सूरत में। राउंड शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस राउंड में कितने बैग्स खुलेंगे। राउंड खत्म होने के बाद उस फोन पर बैंकर की एक डील ऑफर होगी। अगर आपको लगे आप अच्छा नहीं खेल रही हैं या ज्यादा पैसे यहां से नहीं ले जा सकती, डील एक्सेप्ट करें और घर जाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप यहां से ज्यादा पैसे ले जा सकती हैं, डील कम है, तो नो डील करके गेम कंटिन्यू करती रहें, ठीक है। किसी भी लम्हे आपको लगे कि आपके बैग में रखे हुए रकम 1 करोड़ नहीं या कोई खासा बड़ा अमाउंट नहीं है, अक्सर आ जाता है ना, डाउट आ जाता है कि यार इसमें बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा, तो आप अपने बैग को एक्सचेंज कर सकती हैं यहां रखे किसी भी बैग से, और ये एक्सचेंज 1 से ज्यादा मर्तबा हो सकता है जब तक के बैंकर ये नहीं कहता कि बस, ठीक है? ओके, क्लियर है? क्लियर। फिर सबसे पहला काम सबसे पहले करते हैं, बताइए आपका लकी बैग कौन सा होगा? 7। 7 क्यों?
क्यों? सेवन क्यों? मतलब लकी बैग? लकी बैग यूं ही तो नहीं होता, मुझे लग रहा है उसमें है। उसमें लग रहा है? सेवन आपका लकी नंबर नहीं है, आपको लग रहा है कि आज सेवन नंबर में 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, ऐसा ही है? मशवरा करना है घर वालों से, कर लो सेवन। हाँ मेरे ख्याल से सेवन बेस्ट है। अच्छा आपके ख्याल से भी सेवन सही है? जी हाँ बेस्ट है, सबको लगता है कि सेवन ठीक है। ठीक है तो सेवन मंगवा लें जी। चलें जी, बहुत सारी तालियों में नंबर सेवन यहाँ पहुँचाइए, इनके 1 करोड़ रुपए इनके मुताबिक आ रहे हैं। आपका लकी नंबर सेवन यहाँ आ चुका है, गेम शुरू करें जी। पहले राउंड में खुलेंगे उमैमा 6 बैग, पहला बैग कौन सा होगा? टू। नंबर टू प्लीज ओपन इट। 7,50,000, वेरी गुड, इस मौके पर छोटा अमाउंट है। अगला बैग कौन सा होगा, यानी दूसरा? सिक्स। नंबर सिक्स प्लीज ओपन इट। 35 लाख रुपए दूसरे बैग में निकाल दिए। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है घर वालों से मशवरा लेने का तीसरे बैग के लिए, तो मशवरा लेना है या खुद ही खुलवाना है? पूछ लेती हूँ। पूछ लेते भाई, एहसान कर रहे हैं यहाँ पे ये। हाँ, पूछ लेती हूँ, क्या याद करेंगे? कम अमाउंट का खुलवाना है। कम अमाउंट का ही खुलवाना है, आप ज्यादा का भी खुलवा सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। नहीं आप फिर आप जी आपकी फेवर में जाएगा अगर आप कम अमाउंट का बैग खुलवाएंगे तो। हमारी फेवर में जाएगा। हाँ फोर खुलवाएंगे। फोर बेगम साहब फोर ले जी, अब वो तो मना नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना? फोर वो तो हाई कमांड से ऑर्डर आ गया है तो वो तो मना कर नहीं सकते। तुम्हें 4 खुलवाना है जी। पक्का जी। डन डन। नंबर 4 प्लीज ओपन इट। 500 रुपए, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला बैग भी फिर आंटी से ही पूछे? पूछ ले या खुद बताना है? पूछ ले। पूछ ले। टू 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 तो खुल गया आंटी। टू खुल गया जी। एट एट डन। एट खुलवा दे। खुला। नंबर 8 प्लीज ओपन इट। 4 लाख, वेरी गुड, छोटा अमाउंट। अब रह गए हमारे पास इस राउंड में कितने बैग्स? दो बैग्स, तो बताइए पांचवा बैग। 15 नंबर 15 ठीक है अंकल, नंबर 15 कौन सा बोला आपने? 15 नंबर। अंकल बताएंगे सही है या नहीं? 19 बोले। 19 अंकल कह रहे हैं। 19 खोल दें फिर। 19 खोल। 19 खुलवा दूं? ओके, लेकिन तुम्हें तो 15 लग रहा था। पापा कह रहे हैं तो 19। पापा के कहने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है, चलें देख लेते हैं फिर क्या होने वाला है। नंबर 19 प्लीज ओपन इट। 1,000, क्या बात है, अम्मी ने निकलवा दिए 500 और अब्बू ने निकलवा दिए 1,000, यानी गेम तो तुम्हारे लिए बड़ी आसान हो गई है। ठीक है आखिरी बैग इस राउंड का बताएं ताकि हम बैंकर की ऑफर लें। 13 नंबर 13 प्लीज ओपन इट। 75,000, वेरी गुड, क्या बात है, बेहतरीन। लगाएं जरा चार्ट, लगाएं चार्ट पे देखते हैं। 35 लाख रुपए गए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे पैसे आपके पास मौजूद हैं। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की रकम, जिसमें से सिर्फ 35 लाख रुपए पहले राउंड में गए, यानी बैंकर की ऑफर अच्छी आएगी और आगे बड़े अमाउंट्स जाने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है तो ऑफर लेते हैं, अगर ऑफर अच्छी हो तो डील करें, कर जाए, क्या ख्याल है? क्यों अंकल, कितने तक के अमाउंट पे आप कहेंगे कि यार डील कर लेते हैं? 1 करोड़ से 5,000 कम हो बस। 1 करोड़ में 5,000 कम हो? 5,000 रुपए का क्यों नुकसान कर रहे हैं आप? नुकसान 1 करोड़ में कोई 50-60 रुपए कम करवा लेते हैं। 50-60 का तो खैर बॉक्स भी नहीं है कोई। ऐसा करते हैं तो बैंकर की ऑफर लें फिर। हाँ ऑफर लेते हैं फिर देखते हैं क्या ऑफर। चले बैंकर की ऑफर लेते हैं, जब तक कॉल आती है तब तक देख लेते हैं। अगले राउंड में आपके 5 बैग्स खुलेंगे, ठीक है जी? तो ये अगर आप डील नहीं करते तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप अगले राउंड में अगर जाती हैं तो उसमें 5 बैग्स खुलने वाले हैं, और डील आपको जो बैंकर दे रहा है वो है ये। हेलो ओके ओ मैम,
26 लाख रुपए लो, 26 लाख, घर जाओ, उम्रे पे चले जाना घर वालों के साथ, और अपना ये जो खाने पकाने का बिजनेस है ये भी शुरू कर लेना। नहीं, बहुत कम है। बहुत, 26 लाख रुपए बहुत कम है? कितना टाइम लगेगा अंकल आपको सेव करने में 26 लाख रुपए? बताएं, माइक में बताएं, सेव करने में, कमाने में नहीं, बचत करने में। हमें पता है आप सरकारी अफसर हैं, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन ऐसे जो तनख्वाह के हिसाब से बताएं कितने पैसे बचा लेते हैं। इस तरह का सरकारी अफसर नहीं हूं मैं। अच्छा, एम्प्लॉई हूं सरकारी बस। अच्छा, चले ये अच्छी बात है। तो कितने पैसे, 26 लाख रुपए बचाने हैं आपको? नहीं, बहुत टाइम लगेगा 26 लाख रुपए में, लेकिन डील नहीं, डील नहीं लेंगे, आगे खेलेंगे, आगे खेलेंगे जी। आपकी गेम है, आपकी मर्जी है जी, बताइए क्या करना है। आगे खेलेंगे। आगे खेलना है, बंद कर दे डब्बा फिर। ओके, और हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 बैच खुलेंगे, 2 बैच एक साथ। ओके, सायरन बज चुका है, और आपको बता दें कि आपको रेस्क्यू करने के लिए आज जो सेलिब्रिटीज यहां पर मौजूद हैं वो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है जी, इनमें से कोई नहीं है। आज आपको रेस्क्यू करने के लिए कोई एक नहीं आ रहा, बल्कि आज आपको रेस्क्यू करने के लिए एक नहीं, दो दो सेलिब्रिटीज यहां पर मौजूद हैं। जब वो आपको कोई मशवरा दें, कोई एडवाइस दें, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो एडवाइस आपकी फेवर में जाएगी, 95% आपकी फेवर में होगी, ठीक है जी, क्लियर है? तो बुलाए उन्हें जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल कपल फैजान शेख एंड माहा। आप लोगों की वीडियो से सारे चैलेंजेस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मुझे लगता है लिस्ट में है, कुछ है बाकी, दोस्त अब हमें भेज रहे यार आपका ये वाला रह गया। अच्छा अच्छा, वरना मुझे लगा बकेट लिस्ट है, खत्म ही नहीं होती दे रही है। वो बस आप जब फ्री हो रहे होते हैं तो फिर कुछ करने को नहीं होता, यार एक चीज कर सकते हैं तो फिर व्हाई नॉट। जबरदस्त, बेहतरीन, गुड, और हाउस लाइफ गोइंग माशाल्लाह से। बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे, वैसे तो तकरीबन लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस वजह से क्योंकि थिएटर ज्यादा लोग नहीं देखते। फैजान ने माशाल्लाह से, और महान ने भी, क्योंकि अब फिल्म भी करने जा रही है, तो थिएटर, टीवी और फिल्म सारी स्क्रीन के पर्दे फाड़ दिए हैं। तो इस पे तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फैजान, आप पहली मरतबा आए हैं, महाम आप भी पहली मरतबा आई हैं हमारे शो में। हमारे शो का बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इन्हें 1 करोड़ रुपए जीतने और आपने जितवाने। बिल्कुल ठीक है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारा हिस्सा क्या है इसमें? ये आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ से कुछ लोग गायब है, मुझे पता है काफी सारे वॉलंटियर्स होते हैं। हाँ, मैंने देखा ये शो 2-3 दफा, मुझे पता है कि इसमें कुछ फॉर्मेट आप जानते हैं, हम ये शो देखते हैं। अरे वाह, आइडिया है कि क्या आइडिया है इसमें से? ये बॉक्सेस खोल चुकी हैं वॉलंटियर, ये बिल्कुल, ये बॉक्सेस मैं चार्ट लगाता हूं आपको, पहले चार्ट दिखाता हूं कि इन्होंने पहले राउंड में क्या कारनामा किया, दूसरा राउंड है, ये इनका चार्ट है, इन्हें कम से कम पैसे निकालने हैं और आपने इनके कम से कम पैसे निकलवाने हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। क्लियर जी। इस राउंड में 5 बैग्स खुलने थे मैम, इनके आने से पहले मैंने आपसे 2 बैग्स का पूछा था, अब क्योंकि ये दोनों आ चुके हैं तो एक बैग ये बताएंगे और एक बैग आप। ठीक है, पहला बैग आप दोनों, कौन बताना चाहेगा? घर में किसकी चलती है? दोनों की चलती है वैसे तो, डिपेंड करता है कि मामला कौन सा है। अच्छा, हाँ, कोई फैसला करने का मामला है? हाँ, फैसला करने का मामला है, डिसीजन लेना है। जो हम समझ गए, पहला, दूसरा या तीसरा? मेरे ख्याल से तीसरा। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं, मैं सोच रहा हूँ लेन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफी जा चुके हैं, मुझे लगता है नंबर 10 एक्चुअली, हाँ, नंबर 10 हो सकता है, नंबर 11, 12, 13, 11 या 10, 10, 10, मतलब मेरा मशवरा है कि नंबर 10, 10 ठीक है। 25. 25? बाप रे, इतनी लंबी जंप। 10 और 25 लॉक कर दें। अच्छा, इसके पीछे कुछ सोचा आपने? बस ऐसी रैंडम 25 कर दें। रैंडम, रैंडमली? ये देखें, वो आपको रेस्क्यू करने आया और वो इतनी पूरी रिसर्च के साथ के आ रहे हैं और वो रैंडम चल रही है। जो खुद जिसे 1 करोड़ चाहिए वो रैंडम। अभी चले, आप चेंज कर देते हैं नंबर, ठीक है ना, रैंडम नहीं, आप जरा सोच समझ के बताएं। क्या कहते हैं? 21। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? पहले आपने खुद क्या कारनामा किया, 20,000, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। नंबर 10 प्लीज ओपन इट। अरे बाप रे, सदमा ना हो जाए हमें। अरे बाप रे,
5000, वाह वाह वाह, 5000 निकलवा दिए, और क्या चाहिए तुम्हें? एक और बैग निकलवाना है, चलो निकलवा देते हैं एक और बैग, एक और बैग खुलवा दें, एक और बैग, हाँ 5000 के बाद तो यही होगा ना, कोई बड़ा बैग खुलता तो हम कहते नहीं आते, उसी रेंज थोड़ा ऊपर चलें, हाँ 17, 18 या 20, 17 कहते हैं ना, 17 होता है, 17 निकाल दो सबसे पहले भाई, 17 खतरा किसके लिए, 17 ही निकालना, हाँ तुमने कह दिया 17, बस हो गया, नहीं नहीं मैंने सिर्फ पूछा है, हाँ नहीं कह दिया भाई ये गलती हुई तो मैम ये माम को, नहीं नहीं मैंने तुम्हें बचाया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, 17 पे खतरा बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा ना हो आज हो ही जाए, हाँ इसी में ना निकला है करो, हम तो खतरा निकाल रहे हैं, खतरा निकाल दे, निकाल दीजिए लिस्ट से खतरा, निकाल दे मैं, यानी इनके मुताबिक खतरा हमारे लिए है जो कि उसमें है और वो निकल जाए, जी बिल्कुल सही है, ठीक है नंबर 17 प्लीज ओपन, 10,000 क्या बात है, दो बैग से 15,000 रुपए हमने जो है ना, 15,000 रुपए आपने निकलवा दिए, वेरी गुड, अब इस राउंड के रह गए दो बैग्स, तो मैमा दोनों बैग्स आप बताएंगी, 22 22 यानी बिना सोचे समझे, रैंडम मैम, रैंडम क्यों चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ क्या मतलब, कोई लॉजिक है या क्या मतलब, वजह क्या है इसकी, पता तो किसी में भी नहीं है ना, हाँ exactly. तो फिर तो क्या लगाना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, कोई कैलकुलेशन भी नहीं, बस बस हाँ कैलकुलेशन नहीं, ठीक है चलें 22 तुक्का लगाओ, लेकिन यहाँ तुक्का लगाने वाले को क्यों मोबाइल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बताओ 22 and 18 ये भी ऐसे, अगर दोनों में से किसी एक में निकल आया 1 crore तो 1 crore यहाँ है नंबर 7 में, अच्छा इसमें हो, अच्छा ठीक है 1 crore यहाँ है क्योंकि अच्छा। ये बैग इन्होंने खुद चूज किया है और कहा है कि इसमें 1 crore रुपए, अगर बैग चेंज करना कर लें, ये है नंबर 7, किसी चीज से मना ही नहीं करते, लकी 7 कहा जा रहा है, किसी चीज को मना नहीं करते, अच्छा ये भी बताएं कि ये 7 आपने क्यों चूज किया, रैंडम लकी 7 या लकी 7 के लिए चूज किया, वाकई 7 हां होता है लकी, इसलिए आपके लिए है लकी, कुछ 7 जिंदगी में क्या हुआ 7 आपके साथ, कुछ नहीं हुआ, लकी नंबर तो मुझे भी नहीं पता मेरा कौन सा है, मेरा 2 है, मेरा 2 है, बोला 22 और कहा बैग एक्सचेंज कर, पहले बैग 22 और 18 ये दो बैग एक्सचेंज कर, किस नंबर से करना है, 5 से क्या बोला, बैग एक्सचेंज करना है, वो कह रहे हैं, वो कह रही है बैग एक्सचेंज कर लीजिए, 5 ले लीजिए बैग और 7 को, आप क्या कहते हैं सर, आप 7 से सहमत हैं, जो 7 बैग लिया हुआ इन्होंने, चेंज कर लें 5 ले लें, अगर 5 ले लें आप कह रही हैं, तो पहले आपने बैग चेंज करना है या पहले आपने बैग खुलवाना है, बैग चेक कर लें, पहले चेंज करना है, कौन से नंबर 5 से, चलिए नंबर 5 यहां ले आइए और नंबर 7 जाएगा वापस, बैग चेंज कर लें, और हमारे पास अभी भी दो ही बैग्स हैं 22 और 18 जी, यही बैग्स खुलेंगे इसके बाद, चेंज नहीं करवाना कोई बैग, करवाऊंगी कोई बैग चेंज नहीं करवाना है, अभी तो आपने कर लिया ना, अभी तो चेंज नहीं, अच्छा वो आपने कौन सा खोला 22 नहीं, ये मशवरा नहीं देंगे, ये दोनों इसमें मशवरा नहीं, अच्छा सॉरी, दोनों बैग आप रेस्क्यू करने आए ना, रेस्क्यू करने आए, वो मैं जब बताऊंगा तब रेस्क्यू करेंगे जी, हाँ अब आपका ठीक है फिर, आप जाने ठीक है, दोनों ओके, दोनों में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट है, अगर चेंज करना है तो अभी कर लें, अरे बाप रे ये होती है सच्चाई, देखें साफ साफ बता दिया, हाँ जो कहूंगा सच कहूंगा, सच सच किसी बात नहीं कहूंगा, कर लो कुछ प्लीज कर लो, मुझे टेंशन होना शुरू हो गई, प्लीज कर लो, अच्छा 14 और 18 ठीक है, यानी आप जो है वो 22 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है लॉक कर दूं, कर दूं, डन ओके, नंबर 14 प्लीज ओपन इट, 2 lakh वेरी गुड, वेरी गुड जबरदस्त, नंबर 18 प्लीज ओपन इट, 25,000 यानी आपने वो बैग बचा लिया, इतना बड़ा अमाउंट है, अमाउंट तो नंबर 5 में क्या है, इसमें भी बड़ा अमाउंट है, उसमें भी बड़ा अमाउंट है, चले चार्ट लगाते हैं, देखते हैं हमारे पास बड़े बड़े अमाउंट कितने और क्या क्या बचा है जी, कि किसमें क्या अमाउंट है, 40 लाख 50 लाख 60 लाख 75 लाख 1 crore ये 5 हमारे पास बड़े अमाउंट हैं, फैजान क्या लगता है इनके 5 नंबर में क्या होगा, सर मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5th है, तो इसमें अच्छा। यकीनन बड़ी अमाउंट होगी, अच्छा क्योंकि मेरा लकी नंबर 5 है, मैंने कई दफा उसको आजमाया, ओके अच्छी अमाउंट होगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बड़ी अमाउंट होगी, अच्छा और मुझे लगता है कि 1 crore का बैग इधर नहीं है, इधर नहीं है, ओके तो कहीं मुझे नहीं है हो सकता, बैंकर की ऑफर लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर मैं 1 crore पड़े रहने दो, यहां यहां रहने दो, वहां वहां रहने दो, अभी डील करते हैं, ठीक ठीक है डील लें, तो बैंकर भाई कॉल कर दो यार, किसका इंतजार कर रहे हो,
और बैंकर कभी इधर उधर लॉकडाउन है ना, फोन इधर उधर रख दे। हेलो ओके ओके ये बैंकर भाई से डर लगता है मुझे। बहुत मजेदार पर्सनालिटी लगती है इनकी डार्क में। अंधेरे में घूम रहे होते हैं। अंधेरे में लेट मी आस्क, ऑफर में 3 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे अगर फैजान को ही गाना सुनाएंगे तो, बैंकर का ये कहना है। बहुत ही बुरा गाता हूँ मैं यार। अब मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे बता दें 3 लाख रुपए ऑफर में और मजीद बढ़ेंगे। अच्छा चलो मैं गाना गाता हूँ, कोई गाना याद आने दे। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म क्या बात है, बहुत सारी तालियां। मेरा जुल्म याद रहेगा आप लोग जी। 2 लाख रुपए कट जाएंगे। नहीं भाई क्वालिटी की बात नहीं थी, गाने की बात। नहीं 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 रख दिया उसने पहले ही, रख दिया ऑफर देके रख दिया था। 25 लाख रुपए आपको इससे पहले ऑफर दी गई थी, अब आपकी ऑफर है 30 लाख रुपए और 3 लाख गाने के भी मिला। 33 लाख मतलब इतना महंगा गाना कभी नहीं गाया भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से ही कर रहा था। क्या कहती है जी मैम? 33 आपके लिए मैंने वो किया जो मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। मैंने देखा आपके 3 लाख रुपए बढ़ाने के लिए। 33 पहले बता दे, मैं नहीं गाता गाना। आपने गाना भी गवा दिया, आपने गाना। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जितने भी जीते उसमें से 3 लाख गाने के माइनस करवा दीजिएगा। आपको आप डील कर लीजिएगा जी अपने। नो डील, बंद करें डब्बा। नो डील, हम गेम कंटिन्यू करेंगे। इस राउंड में खुलेंगे 4 बैग, 2 बैग में से एक आप बताएंगी और एक माहौल। फैजान भी मशवरा नहीं दे। अरे बाप रे, ओहो बेगम को तो मशवरा देने दे यार। ये तो हम एक ही। चले आप इन्हें कोई दो बैग्स बताएं, आप इन्हें उनमें से कोई एक ये बताएंगे कौन। चले आप दो बैग्स बताएं, दो ऑप्शन दें, एक बता दूं। मुझे लगता है आपको लग रहा है कि हमें, तो मुझे पता है ना एपी फैजान को लगी भी। काट देना। 1 और 23 ये आपने क्लू दिया गया। नहीं नहीं, मैंने पहले बोला। अच्छा आपने पहले बोला 23, मैंने रिपीट किया 23 यार। अच्छा ऐसा है, हाँ ओके 23 भाई। 23 23 नहीं, 23 भी, 23 भी और 25। 10-12 बैग खोल दिया, बात खोल के खत्म कर। मुझे लगा मुझसे मेरा बैग पूछ। हाँ आपका बैग ही 25 और 23। 25 आपने थोड़ी देर पहले भी चूज किया था, फिर आपने कहा नहीं नहीं। क्या क्या दुश्मनी आपको 25 पे क्यों चली जाती है? 25 पे क्यों, क्या वजह, क्या बुरा लगता है आपको 25? कम अमाउंट है जी, खुलवा दूं। ओके तो नंबर 23 और 25 ये दो बैग हमारे पास आ गए हैं। हाँ जी, नंबर 23 प्लीज ओपन इट। एक मिनट, नंबर 23 आप दोनों ने बताया? इन्होंने बताया भाई, मैं बाहर हूं। आपने बताया? हाँ मैं बाहर हूं इससे। नहीं नहीं फैजान से मैंने पूछ लिया था, ये पूरी जिम्मेदारी मुझ पे नहीं आनी चाहिए भाई, ये बहुत बड़ी। कुछ नहीं पूछा, पूछा नहीं था, लेकिन मैंने कहा था 23, फैजान ने बोला 23। आप पूछ लें, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। दोनों में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट है, बस इतना ही कहूंगा, जो तुम्हारी मर्जी कर लो। मैं बता देती हूं, मैं कह रही हूँ 25 नहीं खुलेगा या 23 नहीं खुलेगा, ये बड़ा सोच समझ के बताना है तुमने, खुद फैसला करो। बताइए। हाँ 25 और 7 लॉक कर दूं। डन। उनका सिक्स सेंस ये कह रहा है कि नहीं खुलना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर एक ट्विस्ट आया था जिसमें फैजान ने नहीं बताया, माहम से मैंने खाली पूछा था कि आप बताएंगी, उन्होंने बताया, उसके बाद जो है वो मुझे ऐसा पता चला है कि दो में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट है।
आप की मर्जी है। 7 और 23 लॉक लॉक डन डन। ओके देखते हैं नंबर 7 में क्या था जो यहाँ रखा हुआ था। प्लीज ओपन इट। 1,00,000 हमारे पास नंबर 23। ओह गॉड, इस बैग को मैं अभी नहीं खुलवाऊंगा। मेहमा से ज्यादा मैं परेशान हूं, पता नहीं क्या निकल रहा है। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। ये बैग अभी नहीं खुलेगा, ये बैग खुलेगा अगले राउंड में। इस राउंड के बाकी हैं 3 बैग्स। उन 3 बैग्स में से 1 बैग फैजान और माहम बताएंगे और 2 बैग्स आप अपनी फैमिली की मदद ले सकती हैं। ये तीनों बैग्स मैं अभी खुलवाऊंगा। सही है। 15 टॉस कर लेते। 16 इनी मिनी माइनी। अच्छा वरना 15 मैं सोच रहा हूँ। 15 नहीं तो फिर 24। मैं ऑर्थोडॉक्स करा दूँ सर। 24 है हाँ। डायरेक्ट 16 से 24। अच्छा मुझे आपको मैं मजे की बात बताता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं असल में कैलकुलेशंस करता हूँ कुछ थोड़ी सी चीजों की। ओके तो ये जो 15 नंबर है ये बनता है 6। ओके बिकॉज 1 and 5 6 एंड 2 and 4 is 6 as well. ओके so I want to take all the 6s out because 6 is not good. Not good when you're talking about luck. 666 devil is devil. Okay so let's go for 6 number ja chuka hai. Aap thoda pehle aa jate to wo bhi hum aapse nikalwa dete. Haan 6 inhone khud hi kar diya tha. 6 inhone khud kar diya. Ab mujhe 15 aur 24 ki tension hai. To pehle 24 to pehle 24. Okay pehle jayega 24 uske baad 2 bags aapke kaun se honge. 15 zabardast ek aur 6 bhi bahar nikal diya inhone. Very good. चले भाई 2-6 हो गए। 2-6 4 से गोट उड़ानी है। 3-6 मत लिया ना गुल हो जाए। 3-6 नहीं हाँ गुल हो जाता। 3 ओके ठीक आ गया। 3, 15 और 24 लॉक तीनों बैग्स। अच्छा बिल्कुल भी फैमिली से मशवरा नहीं किया इन्होंने, जरूरी नहीं समझा करना है। मैंने पूछा 3 पक्का है सर। 3 पे सहमत। 15 पे भी हाँ, 15 भी 3 भी पक्का है। 3 भी पक्का है 15 और 24 ठीक है। कर सकती हूँ 15 की जगह जी। चेंज करना चाहो तो 11 कर सकती हूँ। 15 पे जी फिक्स है। 3, 15 और 11 करना है। नहीं 15 नहीं करना। ओके डन तो 3, 15 और 24 खुलेगा लॉक। ओके नंबर 3 प्लीज ओपन इट। अल्लाह है। 20,00,000 रुपए चले गए। नंबर 24 ये थोड़े से ज्यादा थे। ये थोड़े से ज्यादा थोड़े नंबर 24 50,000। लेकिन ये डेविल मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी 1-6-3 हो गया। एक अब बचा 1-6-1-6 नंबर 15 प्लीज ओपन इट। 50,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। आंटी ने कहा था कि आप चेंज करो और 11 खुलवाओ। आंटी आपसे बात करेंगे। माइक दे आंटी जी। अरे आपने कहा था जी मैंने बेटी नहीं मानी क्यों? चलिए वो खेल नहीं उनका अंदाजा मेरा अंदाजा। लेकिन आपका इतना परफेक्ट अंदाजा कैसे हो सकता है? आपने से पहले 22 नंबर भी बचाया हुआ है हमारा। जी ये कैसे? बस एक सेंस में आ रहा है। तो नंबर 5 के बारे में आपके जो ये 6 सेंस है ये क्या कहता है? क्योंकि नंबर 22 में हमारे पास मौजूद है एक बड़ा अमाउंट। जी ये तो सबको ही पता है क्योंकि नंबर 22 सेव हुआ था। सही। नंबर 22 में एक बड़ा अमाउंट मौजूद है। नंबर 23 लॉक हुआ हुआ है, उसमें क्या है किसी को नहीं पता। नंबर 5 यहाँ पर है। तो अब आपको क्या लगता है कि इनके पास कौन सा बैग होना चाहिए? आपका 6 सेंस बड़ा अच्छा काम कर रहा है। क्यों फैजान? इनके पास जी बिल्कुल होना चाहिए। इनके पास 10 होना चाहिए या 12 होना चाहिए? इनके पास या 25 या 12 या 12 या 25 इनके पास हो या 12 इनके पास हो। आपकी मम्मा कह रही है आपके पास 25 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। अब आपके पास टाइम है ये सोचने का कि जो बैग आपने चूज किया वो सही है या इसे आपने वहां रखे किसी बैग से एक्सचेंज करना है। क्योंकि आपकी मम्मा का 6 सेंस बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। मेरे ख्याल में आपको उनसे बात करनी चाहिए करनी या चाहिए। तो आप उन्हें कन्विंस करें या फिर उनकी बात से सहमत हो जाएं। ये सब बातें करने के लिए हम आपको देते हैं टाइम क्योंकि ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू स्टार प्लेयर। और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ घरेलू मामला जो हैं वो ठीक ठाक नहीं चल रहे थे। अब क्या सिचुएशन? हमने डिसाइड किया 12 यहाँ आएगा 5 वहाँ जाएगा या आप लोगों ने डिसाइड किया है? ठीक है
आप लोगों को क्या लगता है सही फैसला हो रहा है? क्योंकि पांच तो आपका लकी नंबर है। मुझे लगता है पांच ही रहना चाहिए। पांच ही रहना चाहिए क्यों? क्योंकि वो आपका लकी नंबर है। हाँ, और सॉलिड नंबर होना चाहिए। दो नंबर मिला के जब नंबर बनता है ना, थोड़ा सा मामला ढीला हो जाता है। दो नंबर हो जाता है थोड़ा सा, थोड़ा दो नंबर समझ गया ना मैं क्या। हाँ हाँ, तो सॉलिड नंबर पे रहना चाहिए इंसान। क्या कीजिएगा? लकी नंबर तो आपका है ना। बिल्कुल आप खेल रहे होंगे यहाँ पर, तो हम आपके लकी नंबर के साथ खेलेंगे। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। पांच वहाँ जाएगा, 12 यहाँ आएगा, फाइनल है। ओके जी, तो नंबर 12 यहाँ आ रहा है और नंबर 5 वहाँ जाएगा। यहाँ ले आइए। अब फैजान माहम, क्या लगता है आपको नंबर 12 में क्या हो सकता है? 1+2 बनता है 3। जब हमने यहाँ पे 3 खुलवाया तो उसमें निकले 20 लाख रुपए, तो आपको 3 की भी वैल्यू आप पता चल गई है। हाँ जी, आप इसका एलसीएम निकालें। मुझे ये लगता है कि ये धोखा है। धोखा है, इसमें कम होंगे पैसे। कम होंगे? हाँ, हो सकता है भाई। ये सब ब्लफ। इसका सबसे आसान तरीका है बैग खोल दें। बैग या तो ये खुलवा लें, बाकी सब को छोड़ें, जो इसमें है वो लेके जाएं। अरे नहीं, दूसरा तरीका ये है कि जो नंबर 5 वहां गया है उसे खुलवाएं, अगर उसमें कम अमाउंट निकलता है तो हम फैजान साहब को जो है वो यहाँ पर बहुत बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो अलविदा करेंगे। आप जाएं, आप जा, आपने बहुत काम कर दिया यहाँ। आपने बहुत मदद की आपने। जी, आप जा सकते हैं। ऑफर लें बैंकर की? ले है? देखें, क्योंकि 23 तो लॉक है अभी तक। जी यार, ये आपके चक्कर में मुझे फिर साथ पति भी है मेरे चक्कर में। बता दे, मैं गाना नहीं गाऊंगा। कुछ मत बोल। हेलो, ओके, सलाम। जी जी, सलाम क्या है फैजान? ओके, बैंकर से कोई डील तो नहीं हुई? नहीं, अब क्या कह दिया उन्होंने? कर मेरी कोई डील नहीं हुई। कोई डील नहीं हुई? नहीं नहीं, अच्छा। फिर कोई फरमाइश करती उन्होंने? मैं ट्राई कर लेता हूँ। देखिए, ये हो गया बैंकर की कॉल बंद। ऑफर 35 लाख रुपए, 35। ठीक है जी, पहले कितनी थी? 33 नहीं थी, 30 लाख थी। 3 लाख इनकी तरफ से आपके पास आए थे, अब 35 है। लेकिन अब 37,50,000 हो सकती है, यानी 2.5 लाख और बढ़ सकते हैं। लेकिन जो है ना इसमें, हाँ, लेकिन जो है, क्योंकि अभी बैंकर ने कहा है कि आपकी लव मैरिज हुई है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो प्रपोज आपने पहले किया था या माहम ने? मैंने प्रपोज। आपने किया था जी। अगर आप दोबारा कर दें तो 35 की जगह 37.5 हो जाएंगे। यार भाई, मैं, मुझे कोई मसला नहीं है करने में, लेकिन मैंने इतना बोरिंग प्रपोज किया था कि मुझे लगता है बैंकर बोलेगा 7-8 लाख रुपए काट लो, फायदा हो जाएगा हमारा। प्लीज, फायदा हमें यहाँ करवाना है ना। नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाह रहे, नहीं करेंगे भाई। बैंकर आप सुन लीजिए, नहीं बढ़ रहे अब 35 लाख रुपए। 37.5 में अगर मूड है डील करने का तो हम इन्हें कन्विंस करें, वरना फिर वही बात है ना, आप गाना वाना गवा लेते हैं और फिर कहते हैं नोडी भी मेहनत करवा दो, फिर बोलोगी नहीं मेरा मूड नहीं है वाला। तो अब आप पे डिपेंड करता है। मैं असल में अगर उमैमा कहती है मैं 37.5 पे मान जाऊंगी तो मैं कर दूंगा बस। ठीक है, डन। आप मूड बनाए। पता है मूड वहां से बनता है, अंकल से पूछ ले, सर से पूछ ले। सर बताइए प्लीज। जी, डील नहीं होगी? नहीं नहीं, नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है ना। डील नहीं होगी भाई, पूरा नहीं होगा भाई, बल्ले को ओढ़ दिया था। डील नहीं होगी, डील नहीं होगी भाई, डील नहीं होगी भाई, डील को इतना बदनाम कर दिया है। डील होगी, ये वाली डील को भी कहते हैं नहीं नहीं होगी, डील करनी नहीं है। अंजाम तक पहुंचाएंगे, अंजाम तक जाएंगे, अंजाम तक जाएंगे, ये तो कंफर्म वही वोट गया है। अंजाम ये भी तो हो सकता है, आप डील कर लें अंजाम। नहीं, अंजाम नहीं है ना। नहीं जी, डील अंजाम नहीं होता, ये नहीं होता। अंकल कह रहे मैं 1 करोड़ लेके जाऊंगा, ये लालच है, ये लालच, ये लालच। अरे चले सर, आपकी मर्जी, गेम आपकी है। हाँ। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको इससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, 35 लाख से बहुत ज्यादा पैसे हैं यहाँ पर। अभी बहुत सारे 60 लाख हैं, 75 लाख हैं, 1 करोड़ है, ये मौजूद है अमाउंट, लेकिन वो मिल सकता है, ये मिल रहा है। अगर बॉक्स में 1 करोड़ निकल जाता है बॉक्स में, तो फिर क्या होगा? 23 में निकल जाएगा, निकल आया तो गया। 23 में नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो गया। हाँ, नहीं नहीं भाई, हमने आने से पहले इन दोनों गेम खत्म कहा था कि 95% चांस होता है। गेम खत्म? नहीं नहीं, गेम एंड तक खेलेंगे, आखिरी बैग तक गेम चलेगी। 1 करोड़ निकला है। अच्छा, हाँ, आखिरी बैग तक गेम चलेगी। जो आपके बैग में है वो अमाउंट आप लेके जाएंगे अगर आप डील नहीं करते तो गेम तो हम एंड तक खेलेंगे, लेकिन 23 अभी भी लॉक है। ये सोच समझ के आप फैसला कीजिएगा। ठीक है, गेम खेलेंगे, गेम खेलेंगे भाई, गेम खेलेंगे, नो डील, नो डील। ओके, इट्स अ नो डील। हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 बैग खुलेंगे इस राउंड में, तीनों महिमा बताएंगी, फैजान और माहम कोई क्लू नहीं देंगे। हाँ, 5 5, और पहले से सोच रहे हैं 5, वो चेक करना है, आप चेक करना है, आपका लक चेक करना है। 5, 9 9 और 11 और 11, लो मैं 5 9 और 11, क्या बात है।
फाइव नाइन और इलेवन, ये क्या कैलकुलेशन क्या बनी है? कुछ भी नहीं बनी। 9-11 तो मिल गया वो तो पहले निकल जाना चाहिए और 5 नहीं 5 नहीं बजे थे 8:30 बजे थे सुबह 8:30 बजे। तो 9-11 तो बन रहा है यहाँ पर कॉम्बो, और 9-11 का जो है वो नुकसान पूरी दुनिया ने उठाया है, सिर्फ अमेरिका ने नहीं उठाया। और आपको ये हिंट देने के बाद ये भी बता दूंगा, इन तीनों में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट यार ये फाइव जो है ना फाइव में बड़ा अमाउंट। हाँ हो सकता है भाई, फाइव में हो सकता है, तो फिर आपने चेंज क्यों किया? हाँ यहाँ से भेज दिया मामा, आप हिंट और मामा इंस्टिंक्ट और आपने हिंट अब दिया ना, तो फिर एक काम करें ना, हिंट आपने देर से दिया, वो कह रही है किस चीज का आपने हिंट देर से दिया, किसी एक में, एक में बड़ा अमाउंट। मैंने तो हिंट दिया ही नहीं है, किसी एक में बड़ा अमाउंट है, लेकिन मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है कि 9/11 का नुकसान पूरी दुनिया ने उठाया है। हाँ 9/11 का नुकसान पूरी दुनिया ने उठाया है, हमें भी ना नुकसान हो जाए ना वो करके। अब आप इसमें से ये एक पहेली है, हाँ मेरी जिंदगी एक पहेली है, बूझो तो जाने, बूझिए बूझो तो जाने। सर 1, 9, 11, 16, 23, 26, 22, 25, 25 रह गए। किसकी जगह 16? आप लोग इन तीन बैग्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 5 तो आपका लकी बैग। मैंने कहा था कि 5 लकी नंबर है, इसमें बड़ा अमाउंट हो सकता है, इन्होंने वापस भी कर दिया, फिर अब खुलवा भी दिया, मतलब बिल्कुल ही मुझे आखिरी सीढ़ी पे भेज दिया। अच्छा अब मैं आखिरी सीढ़ी पे गेट की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ कि जैसी खुले मैं बाहर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अब तीन बैग्स हो चुके हैं हमारे पास। हाँ जी, टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास 4 बैग जी, 1-23 भी तो है। हाँ जी सही है, तो 5 में इतनी जब यहाँ पर हुज्जत हो रही है तो 5 को इस राउंड में नहीं खुलवाते, अगले में खुलवाएंगे। थोड़ी टेंशन आपके लिए भी रहे, थोड़ी उनके लिए भी रहे, 23 खुलवाते ताकि माहम की टेंशन खत्म हो जाएगी। जी क्या जा रहा है? मैंने कुछ जान के नहीं किया और मैंने आपको पहले ही कह दिया था 23 लॉक है, 35 लाख की ऑफर है, ले लीजिए। आपने कहा नहीं तो आप खुलेगा, जो 37,50,000 हो सकती थी अगर आप डील कर देते तो, लेकिन कम अमाउंट निकलेगा। अब आप खुद जिम्मेदार हैं अपने बैग के, आपने इनकी सुनी, देख लीजिए क्या जा रहा है नंबर 16 में। नंबर 16 प्लीज ओपन इट, 23 के लिए हुआ था ना सब, हाँ बाद में चला दे। 30 लाख रुपए अंकल, 30 लाख रुपए चले गए आपके बैग में, 30 लाख रुपए चले गए। कोई बात अंकल, 35 की ऑफर आई हुई है, ऑफर तो है ना हमारे पास, ये होता है ये हम लोग ये करते हैं जब फंसते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, अरे 35 की तो ऑफर है हमारे पास, वो चली जाएगी अगर बड़े अमाउंट निकल गए तो, वो ऑफर चली जाएगी अगर बड़े अमाउंट गए तो। अब नंबर 9 ये देखते हैं, फिर नंबर 23 देखेंगे। नंबर 9 प्लीज ओपन इट, आप दोनों ही डिसाइड करके बता दें कौन सा बैग खुलवाऊं। पहले 23 खोलते हैं, 23 खत्म करें यार, खत्म करें कहानी, 23 को थक गए। नंबर 23 प्लीज ओपन इट, हां बस यार कोई बात, देख तो देख क्या निकल रहा है, सांप थोड़ी निकलेगा उसमें, क्या बात है, हम कह रहे हैं आपको बात नहीं मान रही हूँ। 2.5 लाख रुपए निकल गए, राउंड हो गया पूरा, बैंकर की ऑफर लेते हैं फौरन। उसके बाद नंबर 5 लॉक हो चुका है और सिर्फ 7 बैग्स दूर हैं आप जी, सिर्फ 7 बैग, 75 लाख भी बाकी हैं, 1 करोड़ भी, 60 लाख भी, नंबर 22 भी बाकी है, नंबर 22 भी बाकी है ना। हाँ बैंकर की ऑफर लेते हैं, बैंकर भाई को खुद से भी कॉल कर लिया करो कभी यार, हमेशा बताना पड़ता है ड्रैग हो रहा है, कॉल कर लो। हेलो आप इन्हीं से बात कर रहे हैं, सलाम दुआ करके आप ऑफर लीजिएगा इस बार। जी सर, जी सर, जी वो कह रहा था डांस डांस करेंगे तो 5 लाख और बढ़ा देंगे। सर मेरी बारी में आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे सर 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 थोड़ा सा सर, आप ना आपकी ना मेरी ऐसा कुछ कर लें, रची खोलू फिर मैंने आ देंगे। सर नहीं सर, गुस्सा नहीं हो सर, अरे सर सर गुस्सा नहीं, सर मेरी बात तो सुने। हेलो ओ भाई काम ना बिगाड़े यार प्लीज, तो फोन ही रख दिया उन्होंने, कहने करना तो करो वरना जाओ, क्या डांस खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, ये वाला गेट आउट।
कोई ऑफर नहीं दी? नहीं दी ऑफर, लेकिन बहुत थोड़ी सी बढ़ाई उन्होंने पैसे बस। कितने बढ़ाए बताएं? कह रहे 38 कर देते हैं आपके लिए। 38? आप कुछ करेंगे? नहीं कुछ किए बगैर 38। हाँ चले 38 कुछ किए बगैर। चार तक नहीं 40 तक बात चली, उन्होंने कहा खेलने तो खेलो वरना गेट आउट। 40 क्या 45 तक ले जाएंगे हम बात, आप राजी तो? मैं राजी नहीं हो रहा सर, 38 की ऑफर सर। 38 लैक्स या 1000? लैक्स सर, लैक 1000 कर लें आप, बाकी हम रख लेंगे। हम लाखों में, हम लाखों में चल रहे हैं, हजारों में जा रहे हैं। वो बैंकर है कुछ भी कह सकते हैं यार। 38 लाख, बात तो सही। हाँ कह रहे बैंकर है कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये तो है। 38 लाख, 38 लाख, 3.8 मिलियन पर हमारे पास अभी बड़े अमाउंट हैं। और ये सब्सक्राइबर नहीं है, ये पैसे हैं। 3.8 मिलियन पैसे, अभी तो बड़े अमाउंट है। कह रही है बड़े अमाउंट है हमारे पास। बैग्स भी माशाल्लाह बहुत हैं अभी बाकी। हाँ, तो बैग बहुत बाकी हैं जिनमें बड़े अमाउंट भी तो बाकी हैं। सर जा भी तो सकते हैं वो अमाउंट। हाँ डील और नो डील? खेलेंगे खेलेंगे नो डील। ओके इट्स अ नो डील। हम गेम कंटिन्यू करेंगे और आप खोलेंगे दो बैग्स, एक बैग बताएंगे फैजान और माम। माम क्या कहती है? 22 या 26? 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो उसको तो रखो यार। 26 रखते हैं, 22 मुझे लगता है। 22? हाँ 22 में तो बड़ा अमाउंट है। अच्छा अब मजे की बात ये है, सब में बड़ा अमाउंट है। हाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 20 एक साइड पे ऐसे खामोश है, मैं 20 भी हां ना वो साइड पे, उसको साइड से बीच में तो ला नहीं सकते तो बाहर कर। 20 ठीक है, क्लियर है। वैसे ही 20 बहुत ही अजीब सा चल रहा है, निकालें इसको है ना, निकालें बाहर। 21 पे आएंगे, निकालें 21 पहले ही निकाल दिया। 20 डन है, क्लियर है। दूसरा बैग इस राउंड का नंबर 5 खुलेगा। नंबर 20 प्लीज ओपन इट। नंबर 20 बड़े ही अमाउंट है, 5 लाख। 5 लाख सबसे छोटा अमाउंट, चार का सबसे छोटा अमाउंट था, चला गया 5 में। डेफिनेटली कुछ बड़ा ही निकल रहा। अगर 6 लाख का बैग निकल गया तो आप मिलियनेयर बन जाएंगे। हाँ, at least 1 मिलियन तो मिलेगा जी, और ज्यादा से ज्यादा 10 मिलियन। हाँ हाँ तो हो सकता है। दुकान तो पक्की है आपकी? दुकान तो पक्की है। हाँ वो जो 6 लाख का बैग था वो नंबर 5 में हो सकता है, तो खुलवा दूं नंबर 5 या कोई और बैग बताना है? खुलवा दे, खुलवा दूं नंबर 5 प्लीज ओपन इट। 1 करोड़ रुपए चले गए, गए। आंटी का सिक्स सेंस यहाँ पर काम नहीं, और भाई भाई का सिक्स सेंस, भाई भाई तो लकी नंबर है ना, भाई का तो लकी नंबर है। लेकिन अगले ने कहा था सेलिब्रेट बाद में करेंगे, लेकिन 1 करोड़ का नुकसान हो गया सर। मैंने कहा था ये ना करें, ना दफा आपने पूछा भी नहीं, दूसरी दफा एक ही दफा में खुलवा दिया आपने। नहीं तो लॉक था ना पहले से ही, मैं चेंज थोड़ी करवा सकता था उसे। इस बार खुलवाना मजबूरी यूं था क्योंकि अब ऑफर अकॉर्डिंगली आएगी। 40 लाख तक के करीब पहुंच गए हम ऑफर लेके। 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, लॉक है, निकलवाएं ऑफर गिराएं। अब ऑफर गिरेगी, 1 करोड़ चले गए। अरे हेलो सर, हमने कहा था 5 नंबर। ओके हाय, 38 लाख से आप आ गए 29। 29 लाख रुपए लें, घर जाए आंटी का सिक्स सेंस का जो नहीं चाहिए, डील पॉइंट ही नहीं है डील लेने का। अब पता ही है ना कि सब किसी ना किसी में तो बड़ा अमाउंट ही है, इससे तो ज्यादा ही है। नहीं तो इसमें भी हो सकता है वो बड़ा अमाउंट। हाँ ये भी हो, 75 लाख यहाँ, 6 लाख सबसे लीस्ट रह गया ना, और सबसे हाईएस्ट रह गया 75 लाख। 75 लाख रुपए भी जल्दी कर गए 5 में, बहुत जल्दी। पता है क्या करना चाहिए था, 5 नंबर को ना एंड तक रोक रखना चाहिए। 3-4 बैग रह जाते और लगता ना कि कोई बड़ा अमाउंट रह गया है, फिर डिसाइड करना। जब खुद यहाँ पर मंगाया है और हाँ। वहाँ भेजा है तो वहाँ भेजा इसलिए थोड़ी जाता है कि फौरन खुलवा दो। भाई डाउट था पर 10% चांसेस भी हो तो आप उस बैग को तो रखें, इतने सारे हैं वो खुलवाएं। मैंने भरपूर कोशिश की थी रेस्क्यू करने की, और इन्होंने 11 नंबर बचा लिया था जब मैंने कहा कि 9-11 5 की तरफ ध्यान ही नहीं गया। 5 को इग्नोर कर दिया आपने, 5 को इग्नोर कर दिया देख रहे हैं आप, तो यहाँ आए हाय। बहरहाल चलें, जो हो गया सो हो गया। 38 लाख, डील और नो डील? नो डील, नो। बंद कर दीजिए डब्बा, दो बैग खोलेंगे, दोनों आप खुलवाएंगे। क्लियर डन, नंबर 1 प्लीज ओपन। 40 लाख रुपए चले गए, नंबर 25 प्लीज ओपन इट। 40 लाख बहुत ज्यादा चले गए। 25 लाख चले गए, चार्ट एक नजर देख लेते हैं। चलो नॉट बैड, वी स्टिल हैव
too big. 75 and 60. Yeah, but it can be in this, na? 10 lakh, 60 lakh, 75 lakh. क्या लगता है आपके बैग में क्या है? यार अब तो 75 लाख ही होने चाहिए इस बैग में. अब तो 50-50 हो गया मामला. अब तो 50-50 मामला हो गया. अब तो 50-50 हो गया मामला. क्या करें? बैग में क्या है? क्या लग रहा है? 75. इससे पहले जब हम ब्रेक पे गए थे तब आपने मशवरा किया अपनी मम्मा से और 1 करोड़ रुपए वहाँ भेज के यहाँ पता नहीं क्या मंगवा लिया. अब हम फिर ब्रेक पे जा रहे हैं, आपको एक मरतबा फिर चांस देते हैं, जाएं जाके दोबारा मशवरा करें, कोशिश करें कि यहाँ 75 लाख रुपए मंगवा सकें. हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के पास. यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्टार प्लेयर में. उमैमा हमारी आज की स्टार प्लेयर हैं और हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट हैं फैजान और माहम. गाना हम सुन चुके हैं, डांस आगे देखते हैं शायद हो भी जाए. तो अब क्या डिसाइड किया? बॉक्स खुलवाएंगे और एक्सचेंज नहीं करना है. नहीं. यही बैग रहेगा. दो बैग्स खुलेंगे. अब आप लोग सिर्फ इंजॉय करेंगे. अच्छा ठीक है. हाँ ब्रेक में मैं देख रहा था काफी गंभीर. हाँ जो है ना वो बातें चल रही थी. बिल्कुल. अब आप लोगों ने सिर्फ एंजॉय करना है क्योंकि आप सिर्फ एक बैग रह गया है 6 लाख का और मैं नहीं चाहता कि इनका ज्यादा नुकसान हो जाए. तो अब आप लोग एंजॉय करें. अब इनको और इनकी फैमिली को खेलने देते हैं. ठीक है सर. यहाँ तक आप लोग ले आए, बड़ी मेहरबानी. अब यहाँ से इन्हें संभालना है. बिल्कुल सही. दो बैग अभी खुलेंगे. उमैमा कौन से नंबर क्या है? 11. ये तुम्हारे साथ कौन है? बहन है तुम्हारी? जी छोटी बहन. अच्छा ये कोई बैग क्यों नहीं बता रही? हाँ बता. बात बंद हुई है? नहीं नहीं. कार्ड उन्होंने खरीदा था, बोल वाला स्क्रैच इसने कर लिया. ओ, अच्छा, बात बंद हो गई. डिस्कशन में कोई हिस्सा नहीं लिया आपने अभी तक? हाँ. कौन सा बैग है? 11. 11 22 और 26 और 12 भी है. और 12 भी है. 12 इन्होंने 11. ओके जी. इन्होंने कहा 11 जो कि पहले उन्होंने भी कहा था. जो कि पहले उन्होंने भी कहा था. हाँ जो कि चेंज करवा दिया गया था. जो कि 5 नंबर चेंज होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ था. तो अब बताइए. 11. 11 और 26. 11 और 26. फाइनल 26. डन लॉक. ठीक है. एक्सचेंज नहीं करना आपको अपना बैग? नहीं नहीं. ओके तो हम खुलवाने जा रहे हैं नंबर 11 और नंबर 26. पहले कौन सा बैग खुलवाना चाहेंगे? 11. 11 नंबर 11 प्लीज ओपन इट. वो 9/11 वाली बात जो मैंने की थी इसीलिए की थी कि 5 पे तो इन्होंने कभी रुकना नहीं है, उनमें से ही कोई एक बैग बचा ले. 60 लाख रुपए नहीं बच पाए. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि कोशिश करें आपके पास वो बैग आ जाए जिसमें 75 लाख रुपए हैं. आप नहीं समझे, आपके बैग में नहीं है. नंबर 26 प्लीज ओपन इट. मैंने कहा 26 से ज्यादा बड़ा अमाउंट लगता है. अंकल कैसे मिस कर दिया आपने? ब्रेक पे जाने से पहले मैं क्या क्या किया था कि कोशिश करें कि आपके पास वो बैग आ जाए जिसमें 75 लाख रुपए. क्लियरली बहुत क्लियरली कहा था. नहीं वो तो आपने कहा था लेकिन बस लक काम नहीं कर रहा. लक काम नहीं कर रहा. 38 लाख रुपए की डील आपको मिल रही है. 40 लाख हो सकती थी, इससे ज्यादा लक क्या काम करेगा? और मिनिमम 29 भी मिली थी. मिनिमम 29 भी मिली थी उसके बाद. बस नसीब क्या करे. अरे ये अच्छा गेम है, गेम है. अरे नसीब बेचारा बराबर में कहीं बैठा हुआ फ्रेंच फ्राइज खा रहा है. मेरी क्या गलती बस. मैं कहाँ था भाई, मैं तो चिप्स खा रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ. मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? खेल है ना खेल. डिसाइड खुद कर लिया आप लोगों ने. खेल है बिल्कुल सही बात. खेल है, खेल रहे हैं, गेम है. खेल है लेकिन अगर आप संभल के खेलते हैं तो करोड़ों लोगों में से बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मौका मिलता है यहाँ आकर खेलने का और अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करने का. यकीनन 40 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिससे अपनी जिंदगी के जो आपके जो भी मामलात हैं उन्हें तब्दील किया जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से. अब 6 लाख और 10 लाख क्या है नंबर 12 में? क्या लगता है फैजान? चले गैस शुरू करते हैं. आप नंबर 12 में नंबर 12 में 10 लाख रुपए. नंबर 12 में 10 लाख रुपए. ओके यानी नंबर 22 जो है जो कि वहां शुरू से रुका हुआ है. हाँ जिसमें बड़ा अमाउंट हो सकता था बल्कि बड़ा अमाउंट था, हमने रोका था वो बैग, उसमें 6 लाख है. सबसे मशवरा लेते हैं. नंबर 12 रहना चाहिए इनके पास? रहना चाहिए अंकल. नंबर 12 रहना चाहिए इनके पास? आपने कौन सा खुलवाना है? अब तो ऑप्शन एक ही बचा है. एक ही बैग है. 22 है. अब तो वाकई लक की बात हो गई. 22 और 12 मेरे ख्याल से एक्सचेंज कर लें. अभी भी आप सोच सकते हैं. 50-50 है.
50-50 है सर, मेरे ख्याल से एक्सचेंज कर ले। बिल्कुल 50-50 नहीं है, 11-11 22 99 और 1 है अगर आप सोचे तो। नहीं, असल में वो ये कह रहे हैं कि 11 और 22, लेकिन 12 बैच तो दो है, 12 है, लेकिन आपको हिंट्स इतने सारे मिले हुए हैं कि कुछ आपके लिए कुछ 50-50 नहीं है। नहीं है, बस आपकी बात है। 9-11 एक्सचेंज करना चाह रहे हो? 11 एक्सचेंज कर ले। मुझे लगता है आपको एक्सचेंज कर लेना चाहिए। मुझे भी लगता है आपको एक्सचेंज कर लेना। मुझे भी ऐसा लगता है, कर लेते हैं। कर ले, ओके। नंबर 22, आप पहले घर वालों से पूछ लें। कर लेना पापा एक्सचेंज। हां ठीक है, ठीक है, कर ले, कर ले पापा। ओके, नंबर 22 यहां ले आइए, नंबर 12 जाएगा वहां। नहीं, वो बहन ने मना कर दिया, रुक जाओ, रुक जाओ। वो बहन जो कुछ ना बोली, हाँ, वो अब बोले। पावर प्ले में बोल दो। ओ यस, वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही है हमारे पास, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। वापस कर ले बहन। नहीं, नहीं करना एक्सचेंज, एक्सचेंज नहीं करना है। चले जी, नहीं करना एक्सचेंज। अगर ये हुआ तो हमारा रिश्ता अच्छे खत्म। यही वाले, यही वाले एक्सप्रेशन थे, एक्सप्रेशन यही था। अगर ये हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मैंने अपना कार्ड दिया है खेलने के लिए, प्लीज मेरी बात मानो। क्या करूंगी? 22 खोल दे। 22 खोल दे जी। अच्छा, आंटी आंटी आप बताए ना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपसे कोई पूछ नहीं रहा। मैं कह रही हूँ जो है वही खुलवा लें। वो हमारे पास जो है लेना, हमारे पास 12 रख लें और वो खुलवा दें जी। अच्छा ठीक है, सब खुलवा दें। चले जी, ठीक है जी। हम तीन ये कह रहे हैं कि आपको 22 खुलो अपने पास रखना चाहिए और 12 खुलवाना चाहिए। आपके जो वो अदर साइड के तीन लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं नहीं, 12 खुलवाएं, 12 रखें, 22 खुलवा दें। बिल्कुल। अब आप किसकी बात मानेंगी, फाइनली मुझे बता दीजिए। आप बता, सच का साथ दोगी? हमें तो, मुझे तो लगता है एक्सचेंज करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो इट्स योर कॉल। Because वो फैमिली मेंबर 3-3 हुआ भाई, आपने डिसाइडिंग वोट 4 का करना है। सच का साथ दोगी, सत्य का साथ दोगी, या अपने परिवार का निरुद्ध करोगी? ओए ओए ओए, कुरुक्षेत्र के वास्तव में एक्सचेंज कर ले, अभिनंदन हो गया तुम्हारा, एक्सचेंज कर ले। ओ माय गॉड, ये तो मतलब अर्जुन महाभारत था। बाद में ना निकला तो हमने यही तीन थे, यही थे वो तीन। कर ले, 5 पांडव थे, 3 पांडव थे। करवा दूं चेंज, 22 यहां आएगा। ओके, लेकिन फैमिली ने कहा, फैमिली से फिर क्या, मैं तो रिश्ता खत्म कर रही है। हाँ, इन्हीं के साथ घर जाना है। आंटी ने कहा तो यही रहेंगे, अपना खाना खुद गरम। हाँ, सेरी वेरी खुद देख लेना। यस ऑफ कोर्स। देखो अभी आपके पास जो है कि नसीब जो आपके पास है वही ठीक है। चलें भाई। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, डन हो गया। 12 अमाउंट भी नहीं है ना इतना। नंबर 22 खुलवा दें, ऐसा ही है जी। ओके जी, नंबर 22, लेकिन हम तीनों ने क्लियर कर दिया है, कर दिया भाई। क्या है लोग भरियो जमा। हाँ, फुल हिंदी से फुल, बिल्कुल भरी जुबान, बिल्कुल। हम नापा ज्वाइन कर लिया, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, हम तो हेल्प कर रहे हैं कब से। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। हाँ, नंबर 22 का जो हिंसा है, 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं, तो क़िबला इस पर तवज्जो। मैमा आप सोच लें, आपको जो खुलवाना है वो। मैमा आप सोच लीजिए, घर वालों ने आपको बरी कर दिया है, बोला ठीक है, खुद जानो, ना बर्तन धुलवाएंगे आपसे ना कुछ। हम तो बता रहे हैं, आपको काफी देर से कह रहा हूं, क्या करेंगी? हमें लगता है चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन क्या ये लड़की आज घर वालों के अगेंस्ट जाएगी? और अगर ना निकला तो फिर कर लें चेंज। ओके, तो नंबर, बहन देख रही है वहां, खतरनाक, मतलब अगर तुम्हें नहीं मारा तो चाकू लेके मेरे पीछे ना पड़ जाए कम से कम। तो क्या कर रहे, एक जान तो मांगी। 11-11-20 होता है बेटा, 22 होता है, बात एक ही है, वो खुलवाओ या ये खुलवाओ। ये 12 है अंकल, अभी भी जिद कर रहे हैं कि ये खुलवाओ, ये रखो अपने पास। अंकल कह रहे हैं जो है वो रखो अपने पास। चले भाई, अंकल की बात, ठीक है, अंकल कह रहे हैं वो रखे। 12 रखते हैं, 22 खुलवाते हैं, ठीक है, 22 खुलवाते हैं, लेकिन उसमें 10 लाख रुपए जितने भी हो उसमें 10 लाख रुपए, इसमें 6 लाख है, खुलवा दूं? नहीं, चेंज करवाना है यार भाई, मैं ऐसे नहीं कर रही हूं ना, चेंज करवा, ऐसे नहीं कर रहा यार भाई, क्या करूं? चेंज कर दे, चेंज कर दूं आज। कोई ना कोई एक ब्लेम करता हुआ जरूर जाए, है ना? हाँ, नंबर 22 या करवा दूं ना पक्का? हाँ, अब मुझ पे भरोसा कर रही है। हाँ, नंबर 22 किस पे भरोसा कर रही है, सोचे करवा दूँगा। आप भी कह रहे थे ना चेंज कर ले। मैं कब से कह रहा हूँ, मैं कह रहा था 5 भी नहीं रखा आपने, आपने वो भी नहीं रखा। ले आओ 22, देख ले, ठीक है, फिर नहीं मिलेगा। आपके बाबा बोल रहे हैं कि ये रखो, बाबा भी ये कह रहे हैं, बहन भी ये कह रही है, जल्दी बताया, टाइम कम है हमारे पास, चेंज नहीं करवा, चेंज नहीं करवा। अच्छा, मैं नहीं करवा रहे, 12 बस, ठीक है, 6 लाख रुपए ले जाना चाहिए आप, निकलवा दूं, ठीक है, चले भाई खोल दे यार, 10 लाख निकलवा दूं, खुलवा दूं? हां भाई, पक्का? ओके, तो जो अमाउंट आप यहां से ले जाने वाली हैं, वो मैंने कहा, फैजान ने कहा, माहम ने कहा कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चेंज करवाऊं, यही खुलवा दूं जी?
वो अमाउंट जो यहाँ से आज उमैमा लेके जा रही हैं वो है पूरे 6 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ 10 लाख वहाँ 6 लाख यहाँ तो मान ही नहीं रहे। इससे ज्यादा क्लियर कोई क्या बता? कैसे बताएगा, कैसे बता सकता है? नंबर 22 प्लीज ऑपरेट देख लीजिए, उसी में 10 लाख रुपए नसीब की बात। लाओ वो हमें दे दो। हाँ हमें वैसे ही पसंद है वो। हाँ ये मैं पकौड़े की शॉप खोलना चाहता हूँ सर। मैं भी पकौड़ों की शॉप खोलना चाहता हूँ। अरे वाह वेरी गुड। ये बैग इनके साथ जाएगा। इस बैग में आप मिस्टर 10% आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइए यहाँ पर से? उमैमा तो 6 लाख रुपए ले जा रही है जबकि 10 लाख वहाँ थे, हम सब ने खुल के कह दिया था। सर मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि 1 करोड़ ले जाए। हाँ शुरू से पहले से नहीं जा सकता, पहले से बोल रहा था लेकिन नहीं जा सका। लेकिन कोई बात नहीं, गेम है, बहुत मजा आया। आई एम ग्लैड के बोल की हमेशा से ये बोल रही है कि नए नए गेम्स आते रहे और खास तौर पे जो आम लोगों को बुला के करते हैं उसमें बहुत मजा आता है। नहीं नहीं आप सेलिब्रिटीज हैं, खास लोग हैं बहुत। नहीं नहीं मैं और उनकी बात कर रहा हूँ जो खेल रहे हैं हमारे साथ। नहीं वैसे हम भी और आम लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे। वो हमें नहीं। हाँ, वो हमें लेकिन ये बहुत बहुत आ जाते हैं जब आप लोग अपने वो ड्रामे में आते हैं तब सीन आ जाते हैं जब आप लोगों का सिटकॉम चलता है। मजा बहुत आता है इस तरह। बहुत बहुत मजा आया आप लोगों को यहाँ पर इस गेम शो में बुला के, बड़ा एंजॉय भी किया और बहुत ही जबरदस्त आपकी प्रेजेंस यहाँ पे रही। अब लेते हैं हम यहां से इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।